नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बीटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटानिया की फूड प्रोसेसिंग यूनिट उत्पादन शुरू करेगी। इस यूनिट का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। उद्घाटन समारोह 12 दिसंबर को है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पॉन्ड्रिंग के द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री ही 12 दिसंबर को बीटा के सिकंदरपुर में प्लग एंड प्ले शेड का भी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि बीटा में ब्रिटानिया कंपनी 240 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। पॉन्ड्रिंग ने यह जानकारी उद्योग विभाग के सचिवालय में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन में साझा की है। देश में पिछले कुछ सालों में जिस पेमेंट मेथड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई है। यूपीआई का इस्तेमाल देश के कोने कोने में हो रहा है, लेकिन अधिकांश लोगों को यह नहीं पता कि अगर यूपीआई का उपयोग सावधानी से नहीं किया गया तो आपकी मेहनत की कमाई आपके अकाउंट से चली जाएगी। ऐसे जोखिमों से बचाव के लिए उपयोगकर्ताओं को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए यूपीआई सेफ्टी सील्ड टिप्स का पालन करने की सलाह दी जाती है। राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति बिहार के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत कॉलेजों, संबंध और स्वशासित कॉलेजों के हजारों शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने की तैयारी है। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस मामले में अपनी सहमति हाल में ही दी है। राजभवन ने यह सहमति मांगी थी। चूंकि चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने का संबंध वित्तीय प्रावधानों से जुड़ा है, लिहाजा इसका प्रस्ताव अब शिक्षा विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देगा। WHO ने बताया है कि पूरी दुनिया में शराब और मीठे पेय पदार्थ पीने के चलते 1 करोड़ लोगों की मौत होती है। इसे कम करने के लिए WHO ने सरकारों से आग्रह किया है कि ऐसे पदार्थों पर अधिक टैक्स लगाए। WHO ने कहा कि बहुत कम देश अपने नागरिकों की सेहत को ठीक करने के लिए टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। WHO ने दुनिया से शराब और चीनी वाले मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ाने का आग्रह किया है। बिहार में परिवहन नेटवर्क को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य के सुदूर गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सुदूर गांवों से जिला मुख्यालयों के लिए 3600 बसें चलाने की योजना है। ये बसें चरणबद्ध रूप से सभी जिलों के लिए चलेंगे। इसके लिए नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का विस्तार किया है। नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार की ओर से बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार सुबह दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए रवाना हो गए। भारत का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 दिसंबर को पहला T20 मैच खेला जाएगा। टीम के साथ मुख्य कोच राहुल द्रविड़, बल्लेबाज कोच विक्रम राठौर और उनका सहयोगी स्टाफ भी साथ गया है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम को पहले 3 T20, उसके बाद 3 वनडे और आखिर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को इस दौर की T20 और वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अगले साल 22 जनवरी को होगा। इस समारोह में देश दुनिया के करीब 7000 VVIP विशिष्ट और विदेशी प्रतिनिधियों का आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेट जगत के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के अलावा अरबपति उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी समेत 3000 VVIP लोगों को विशेष तौर पर इनविटेशन दिया गया है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को कुत्तों की खतरनाक नस्लों को रखने के लिए लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के लिए एक ज्ञापन पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व मिनी पुष्करणा की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अधिकारियों को इस मुद्दे पर निर्णय लेने दें, क्योंकि वे ही संबंधित कानूनों और विनियमों को मसौदा तैयार करते हैं। दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी संदेश को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने 100% गारंटी के साथ बढ़ा चढ़ाकर निवेश करने के लिए सोशल मीडिया पर उनके नाम का दुरुपयोग करने मामले में एक पोस्ट कर लोगों को आगाह किया। इंस्टाग्राम पर एक किए गए पोस्ट में रतन टाटा ने सोना अग्रवाल नाम की एक यूजर को लताड़ लगाई। यूजर की पोस्ट में निवेश की पैरवी करने वाले एक वीडियो में उनके फर्जी साक्षात्कार का इस्तेमाल किया गया था। फर्जी वीडियो में रतन टाटा सोना अग्रवाल को अपना मैनेजर बता रहे हैं। इंडियन आर्मी ने नई प्रमोशन पॉलिसी ला रही है। भारतीय सेना एक व्यापक पदोन्नति नीति ला रही है, जिसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। आर्मी के सीनियर एक अधिकारी ने कहा कि नई पदोन्नति नीति सैन्य बल की लगातार बढ़ रही वाली ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है। नई प्रमोशनल पॉलिसी के हिस्से के रूप में कर्नल और इसे ऊपर के रैंक के अधिकारी के चयन के लिए पदोन्नति नीति की गहन और विस्तृत समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है। भूकंप के झटकों का बढ़ता आंकड़ा बताता है कि प्राकृतिक रौद्र रूप दिखा रही है। साल 2023 में 124 हल्के तेज भूकंप के झटके भारत में लगे। बीते 4 सालों पर गौर करें तो मौजूदा साल में धरती का डोलना दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। 2020 से लेकर 2022 तक यह आंकड़ा 60 से 65 के बीच रहा और 3 साल के दौरान रिक्टर स्केल पर सबसे तेज भूकंप की तीव्रता 6 से ऊपर रही, जबकि 2023 में 2 बार ऐसा हुआ, जबकि 5 से 5.9 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाले भूकंप 4 बार आए, जो गत 3 साल के आंकड़े के समान है। ग्रामीण इलाके में घर के सपने को साकार करने में केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू किया था। इस योजना के तहत 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके मुकाबले सरकार ने 2.50 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया था। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2024 के निर्धारित समय सीमा तक 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।
इसरो ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस धरती के ऑर्बिट में बुलाकर यह साबित कर दिया है कि वे अपने किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मून के ऑर्बिट से वापस भी ला सकते हैं। बुधवार को इसरो की सफलता पर गदगद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसरो को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि बधाई हो इसरो, हमारे भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों में एक और तकनीकी मील का पत्थर हासिल हुआ। इसमें 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को भेजने का हमारा लक्ष्य भी शामिल है। COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता का पहला सप्ताह हानि और क्षति कोच के संचालन 83 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के संकल्प और ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए मसौदा पाठ में सभी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के उल्लेख के साथ एक महत्वपूर्ण प्रगति के साथ संपन्न हुआ। ग्लोबल स्टॉक टेक फिर समझौते का एक मूलभूत घटक है जिसका इस्तेमाल उसके कार्यान्वयन की निगरानी और सहमत लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। भारत और म्यांमार ने सीमा पर मौजूद स्थिति, व्यापार और कनेक्टिविटी सहित कई मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की। भारत ने पड़ोसी देश के लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ने के प्रति अपने समर्थन को भी दोहराया। दोनों पक्षों ने यहां आयोजित भारत म्यांमार विदेश कार्यालय परामर्श के 20वें दौरे की बैठक में अपने समग्र सहयोग का जायजा लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने किया जबकि म्यांमार की टीम का नेतृत्व उसके उप विदेश मंत्री यू लिवन ऊ ने किया। अमेरिका ने कहा है कि वह एक अलगाववादी सिख नेता की हत्या की साजिश रचने में एक भारतीय अधिकारी के संलिप्तता के आरोपों के संबंध में भारत द्वारा की जा रही जांच के निष्कर्षों का इंतजार करेगा। विदेश विभाग ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से यह बात कही। मैथ्यू मिलर ने कहा, हमने इस मुद्दे को सरकार के सबसे वरिष्ठतम स्तर पर उठाया है, यानी विदेश मंत्री ने अपने विदेशी समकक्ष के सामने इसे उठाया है और कहा है कि हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं एनएसए स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए बुधवार को मॉरिशस पहुंचे। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 5वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक पिछले साल 9 मई को मालदीव द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौरान एनएसए ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की थी। नेटवर्क 18 मीडिया एवं इन्वेस्टमेंट ने ग्रुप के टीवी और डिजिटल न्यूज कारोबार को एक कंपनी में मर्ज करने का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों ने बयान में कहा है कि इस योजना के तहत टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और मनी कंट्रोल वेबसाइट एवं ऐप का परिचालन करने वाली e18.com को नेटवर्क 18 में मिला दिया जाएगा। नेटवर्क 18 मीडिया एवं इन्वेस्टमेंट के अनुसार यह फैसला होल्डिंग स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए लिया गया है। इस कदम से कंपनी मीडिया सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत बनाएगी और कारोबार का विस्तार करेगी। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट अपना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सक्षम एआई मॉडल जेमिनी दुनिया के सामने लेकर आई है। तकनीकी दिग्गज कंपनी उभरते कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का नेतृत्व करने के दौर में प्रतिद्वंदियों ओपन एआई के GPT-4 और मेटा के लालमा 2 को टक्कर देना चाहती है। गूगल ने एक नए एआई मॉडल को काफी एडवांस बनाया है। दुनिया भर के ब्रांड और पिक्सल यूजर्स के लिए जेमिनी एआई उपलब्ध हो गया और डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस के नेतृत्व में गूगल डीप माइंड नामक एक डिवीजन में अपनी एआई अनुसंधान इकाइयों डीप माइंड और गूगल के विलय के बाद अल्फाबेट का यह पहला एआई मॉडल है। अमेरिका में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गंभीर आरोप लगा है कि यहां तक कि इस मामले में कंपनी मेटा पर बाल शोषण के मुकदमा भी दायर किए गए हैं। न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज ने बुधवार को कहा कि राज्य ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के मेटा प्लेटफॉर्म पर मुकदमा दायर किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार टोरेज ने अदालत से कंपनी को अपने सबसे कम उम्र के यूजर्स की सुरक्षा के लिए बदलाव करने का आदेश देने का अनुरोध किया और आरोप लगाया कि कंपनी ने स्वेच्छा से ऐसा करने से इनकार कर दिया है। COP28 जलवायु वार्ता का पहला सप्ताह कई बड़े कदमों का गवाह बना। इसमें लॉस एंड डैमेज फंड शुरू करना, 83 अरब डॉलर से अधिक की प्रतिज्ञाएं और ग्लोबल स्टॉक टेक का मसौदा शामिल है। इस मसौदे में जिसमें पहली बार जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की बात कही गई है। 83 अरब डॉलर की प्रतिज्ञाओं के बीच इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये प्रतिबंधताएं स्वैच्छिक हैं और ये जमीन पर उतारी जाएंगी, इसकी क्या गारंटी है। जलवायु सम्मेलन में बातचीत के दौरान जीवाश्म ईंधन का मुद्दा सबसे अहम रहा। कच्चे तेल के भाव औंधे मुंह गिरकर $70 प्रति बैरल के नीचे आ गए हैं। ब्रेंट क्रूड वायदा $74.30 प्रति बैरल पर और USWTI क्रूड वायदा $69.59 प्रति बैरल पर आ गया है। इससे पेट्रोल डीजल के रेट आने वाले दिनों में कम हो सकते हैं क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल और डीजल कीमतों में दैनिक आधार पर संशोधन तभी शुरू करेगी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल से नीचे स्तर हो जाएगी। बता दें कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 570वें दिन भी नहीं बदले हैं। सरकार 2 से 3 वर्षों में B2C कारोबार के लिए ई चालान जारी करना अनिवार्य कर सकती है। अभी सालाना 5 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कारोबार वाली B2B कंपनियों के लिए ई चालान जरूरी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के GST सदस्य शशांक प्रिया ने कहा कि B2C लेनदेन को ई चालान के तहत लाने पर काम चल रहा है। इसके लिए GST प्रणालियों को क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र में हैं जिन्हें हम पहले शुरू कर सकते हैं। इस पर काम प्रगति पर है।
प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की थालियों को नवंबर में मासिक आधार पर 10% तक महंगा कर दिया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल MI एंड रिसर्च ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि प्याज के 10 मासिक आधार पर 58% बढ़े हैं, जबकि टमाटर 35% महंगा हो गया है। ऐसे घर में बनी आम आदमी के शाकाहारी थाली की कीमत पिछले महीने 10% बढ़कर 30.30 रुपए पहुंच गई, जो अक्टूबर में 27.50 रुपए थी। मांसाहारी थाली के लिए लोगों को 61.20 रुपए खर्च करने पड़े, जो अक्टूबर के 58.40 रुपए की तुलना में 5% अधिक है। सूरज हमारी धरती और इस पर रहने वाले लोगों के लिए कितना जरूरी है, यह हम सभी जानते हैं। सूरज न हो तो पृथ्वी पर जिंदगी ही संभव नहीं है। भारत भी सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अपना पहला मिशन आदित्य L1 भेज चुका है, जो कि अगले साल जनवरी में अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसी बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA द्वारा सूर्य को लेकर की जा रही स्टडी बेहद चौंकाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि सूरज की सतह पर 8 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा हो गया है। इस बड़े गड्ढे की चौड़ाई इतनी बड़ी है कि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 60 पृथ्वी समा सकती है। रणबीर कपूर स्टार फिल्म एनिमल की चर्चा इस समय काफी है। फिल्म जोरदार हिट भी रही और रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फैंस को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है और चर्चाओं को बाजार भी गर्म है। इसी बीच एक भारतीय क्रिकेटर को फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने इस फिल्म को लेकर निराशा जताई है। उनादकट ने तो यहां तक कहा कि इस फिल्म में मेरे 3 घंटे बर्बाद हो गए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली थी, बाद में डिलीट कर दी, लेकिन इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट रखा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, नुनू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, राजीव कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।